कोरोना वायरस के महामारी बनने के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क पहनने को भी जरूरी बताया था। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए ज्यादातर देशों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब इन मास्क की वजह से प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया है। कई देशों की सरकारों ने अपने लोगों से अपील की है कि वो डिस्पोजेबल मास्क की जगह ज्यादा से ज्यादा रीयूजेबल मास्क का इस्तेमाल करें। ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट्स का कहना है कि सिंगल यूज सर्जिकल मास्क के कारण भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट पैदा हो रहा है, जो पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक है, और ऐसे में हमें उन विकल्पों को तलाशने की जरूरत है जो पर्यावरण के अनुकूल हों। डिस्पोजेबल मास्क में प्लास्टिक होता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है और साथ ही वन्य जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार लोग मास्क को इस्तेमाल के बाद इधर उधर फेंक देते हैं और जीव जंतु इसे खा लेते हैं, जो कि चिंता की बात है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि इस बात की पड़ताल की जा रही थी कि क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर और परिवहन में चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा खरीदारी के दौरान दुकान, कॉलेज और स्कूल आदि जगहों पर भी मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादातर देशों में मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क में आम तौर पर प्लास्टिक होता है। इस तरह के मास्क बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर वे सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डिस्पोज करते समय या तो काले बैग में डालकर कूड़ेदान में फेंकें या फिर लिटर बिन यानी जिसमें सूखा कचरा डाला जाता है उसमें इसे डिस्पोज ऑफ करें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन सर्जिकल मास्क को रिसाइकिल बिन में नहीं डालें, क्योंकि इन्हें पारंपरिक रिसाइकिलिंग सुविधाओं के साथ रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही अगर आपको घर से बाहर निकलते हुए लिटर बिन ना मिले तो इसे घर ले जाएं और ब्लैक बैग में डालकर फिर कूड़ेदान में डालें। एक और जहां मानव स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों से मास्क पहन कर रखने का अनुरोध किया गया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि सैकड़ों, हजारों, यहां तक कि लाखों डिकम्पोज मास्क सड़कों पर बिखरे पड़े हुए हैं। समुद्र किनारे भी सैकड़ों की संख्या में फेंके मास्क मिले हैं। समुद्र तटों को साफ करने के लिए ब्रिटेन में तो बाकायदा कैंपेन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस आयोजन का नेतृत्व करने वाली संस्थान क्लीन सीज की प्रमुख लॉरा फॉस्टर का कहना है कि नदियों को देखिए, आपको नदियों में बहते मास्क दिख जाएंगे। वो कहती हैं, कई बार ये मास्क आपस में इतने उलझ जाते हैं कि जाल जैसे हो जाते हैं और जीव जंतु इसमें फंस जाते हैं। कई बार ये आग लगने का कारण भी बनते हैं। इन्हें बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ऐसे में समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक और बढ़ जाता है। समुद्र में प्लास्टिक के बढ़ने का सीधा असर फूड चेन पर पड़ेगा। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि जब वे अपने डिस्पोजेबल मास्क फेंकें तो उनमें लगी स्ट्रिप को निकाल दें, ताकि जीव जंतु उनमें फंसे नहीं। क्लाइमेट एंड बिजनेस की प्रवक्ता सारा ओल्ने ने BBC को बताया, मौजूदा समय में हम COVID-19 महामारी के खतरों से जूझ रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ से एक दूसरे को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मास्क पहन कर रखना इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये धरती को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वो कहती हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि सिंगल यूज मास्क से बेपनाह कचरा पैदा हो रहा है। सिंगल यूज मास्क के बजाय लोगों को रीयूजेबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को भी खतरा न पहुंचे। लेकिन भारत में ये समस्या कितनी गंभीर है। खुले में फेंके जा रहे दस्ताने, मास्क, PPE किट को लेकर भारत में भी चिंता है। डाउन टू अर्थ वेबसाइट के मुताबिक जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को नोटिस जारी करके निर्देश दिया था कि ये सुनिश्चित करें कि वो बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में न डंप करें। ये आदेश कोरोना काल में दिल्ली में बढ़े बायोमेडिकल वेस्ट को देखते हुए दिया गया था।